तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है विष्कुंभ और करण है बव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन खरीदने का अच्छा योग और अच्छा समय आपके लिए बन रहा है। आज आप जो भी किसी व्यक्ति से बात करें तो सोच समझ करके कुछ भी बातें कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, हर्ट हो जाए, दुखी हो जाए। तो जो भी आप कहें बहुत सोच समझ करके बात करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को काम धंधों और उद्यमों से काफी फायदा हो सकता है। अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आज आपसे कोई आपका मित्र मदद मांगने आ सकता है, आपको यथासंभव उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विश्वनाथ अष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। नीले रंग का वस्त्र प्रयोग आज की दिनचर्या में आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति हो सकती है। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाने की आवश्यकता है, पुरानी बातों से आपको मुंह मोड़ना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वैद्यनाथ अष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके लिए शास्त्रीय सलाह ये है कि मध्य रात्रि में स्नान करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बॉस आज आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। जिसका मूल कारण, जिसकी मूल वजह आपका मेहनती स्वभाव है, तो अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार से कमी आप ना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में यदि आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से स्वयं को बचा पाते हैं तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता हो सकती है और आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शिवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि बिना स्नान किए तिलक धारण आप ना करें। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, अच्छे अवसर मिलने की संभावना आज की दिनचर्या में बन रही है। आपका केयरलेस स्वभाव आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो आपको अपने इस लापरवाह स्वभाव से बचना होगा। आप चीजों को यूं ही मत जाने दीजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ यदि आप कर पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि भोजन के उपरांत स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान के उपरांत पूजन और उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना ही हमेशा आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तम है। चलिए वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले कॉलर गौरव हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौरव, बताएं क्या सवाल है आपका। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर जी 1995 जी, रात को 11:42 जी, हल्द्वानी जी।
गुरु जी, मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया था ना पॉलिटेक्निक का, रिजल्ट आ गया, तो मैं पूछा था कि मुझे अपना मनपसंद कॉलेज में सीट मिल जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जी आगे प्रश्न कर लें। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा और केतु का प्रत्यंतर है, ऐसा लगता है कि जिस जगह पर जिस स्थान पर जैसे आपने कहा कि आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, इसमें कुछ बाधा कुछ व्यवधान दिखता है, तो ऐसे में आपको जो भी कॉलेज मिले जो भी जगह मिले आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप ज्यादा जिद पर अड़ते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज कुछ अवसर को आप त्यागते हैं कि इसके बाद मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं विघ्न और बाधा की स्थिति मिल सकती है और आगे चल करके अच्छे मार्क्स से पास होने के बावजूद भी आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या निराशा का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में आपको जो कॉलेज मिले आपको वो स्वीकार करना है, क्योंकि राहु मंगल और केतु का जो संयोग है ये किसी भी कारण से किसी भी दृष्टि से आपके लिए बहुत उत्तम नहीं बनता। और अगर हम लोग अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो ये 10 अक्टूबर 2015 के आसपास आएगा, तब तक हो सकता है कि काफी विलंब हो चुका हो। स्वदेश दौसा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वदेश बताएं, क्या सवाल है आपका? मैं डेट ऑफ बर्थ 6 जनवरी 1968। जी रात को 8 बजे दौसा। जी मकान कब तक बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपने प्रश्न किया कि आपका अपना मकान कब तक बनेगा। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, ये समय तो आपके लिए अपने भवन प्राप्ति के लिहाज से भवन प्राप्ति के दृष्टिकोण से बहुत ही कठिन समय कहा जा सकता है। और जहां तक बात करें कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 5 साल का विलंब आपकी कुंडली के हिसाब से दिखाई देता है अपने भवन प्राप्ति के सपने को साकार करने में, तो अभी इस दौरान आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। अगर कुछ पैसे हो तो आप उसको सुरक्षित रखें, और अगर बहुत ज्यादा आप डेस्परेट हैं आपको किसी भी स्थिति में मकान चाहिए तो ऐसे में परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से यदि आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से वो योग अभी तक नहीं दिखाई देता है। और मोहिनी हरिद्वार से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी मोहिनी बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी जन्म तारीख है 1981, 23 जून 1981। जी सुबह 4:35। जी जन्म स्थान दिल्ली। जी बताइए प्रश्न करें। हाँ जी मकान का पूछना था कि मकान का योग मकान का कभी हो पाएगा कि नहीं अपना? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, शनि आपके लिए भाग्य स्थान के साथ साथ दशम भाव के स्वामी हैं। जहां तक आपने अपने मकान की बात कही है तो आपके लिए मकान का सपना थोड़ा विलंब से ही सही थोड़ा कठिनाई से ही लेकिन साकार होता हुआ दिखाई देता है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो आपके अपने मकान की प्राप्ति में जो विघ्न जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होगा और आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। अजय देहरादून से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय बताएं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार बताएं। ये मेरी जन्म डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1975। जी और समय रात 2 बजे। जी और मैं जानना चाहता हूँ पूर्ण जी की क्या नाम इसका, मेरी नौकरी में प्रमोशन का योग है और दूसरी मेरी शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और ये समय कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि विवाह का एक अच्छा समय आपकी कुंडली से चल रहा है। जो प्रत्यंतर है इसमें वो ऐसा दर्शाता है कि आपके विवाह के लिए इस समय में कोई बात चले। मुझे ऐसा लगता है कि या तो 30 जून के अंदर अंदर कहीं कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होनी चाहिए, और अगर 30 जून के अंदर कोई बात नहीं बनती है तो 17 नवंबर 2015 के बाद से आपके लिए विवाह का एक अच्छा समय आरंभ होगा जिसमें विवाह के एक अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। और जहां तक आपने नौकरी के प्रमोशन की बात कही तो नौकरी के लिहाज से थोड़ा सा ये चिंतनीय समय कहा जा सकता है। इस समय में आपके प्रयास करने के बावजूद भी जो आपको पदोन्नति जो प्रमोशन मिलना चाहिए जिसके आप योग्य हैं जिसके आप अधिकारी हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो इस समय में थोड़ा सा धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, आपको फायदा जल्द ही मिलेगा। अगली कॉलर आरके गुप्ता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 28/1/88। जी
और प्रातः जन्म है इसका 549 आगरा का जी। इसकी जो है काल सर दो पितृ दोष की पूजा करा चुका हूँ मैं जी। इसकी जो है शादी कब तक होगी, अच्छा जॉब कब लगेगा और कोई उपाय पूजा पाठ करना है तो वो बता दीजिए। देखिए सबसे पहला काम तो आप इस बच्चे के लिए राहु केतु और बृहस्पति की शांति कराइए। काल सर्प योग और पितृदोष की शांति अपनी जगह है, ग्रहों की पीड़ा अपनी जगह है और आप विवाह के बारे में चिंतित हैं, विवाह का आपने प्रश्न किया है। जब तक किसी भी कन्या की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होगी दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात लिख लीजिए। और चतुर्थ स्थान में राहु और बृहस्पति का जो संयोग बन रहा है इस गुरु चांडाल योग की शांति बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि राहु केतु और बृहस्पति की शांति करें। इस दौरान अगर कन्या के लिए अगर आप एक गोमेद धारण करवा देते हैं इसको तो भी फायदा मिलेगा। राहु की ही दशा चल रही है, आपके प्रयास करने के बावजूद भी इसके विवाह में जो है कहीं ना कहीं से विघ्न आएगा और विवाह के उपरांत भी दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो ऐसे लक्षण बनते हैं, तो ग्रहों की शांति के बाद ही लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और जानते हैं तुला राशि का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में बदलाव करने का ये सबसे उचित समय आपके लिए हो सकता है। आप अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ जो कुछ भी योजना बना रहे हैं उसमें आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन अपने व्यापारिक सहयोगियों लोगों के साथ हिसाब किताब और लेन देन की बातें आज आपको करनी पड़ सकती है, तो अपने अकाउंट्स को आप थोड़ा सा ठीक रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई नया एग्रीमेंट इस दौरान नहीं करना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको यात्रा से लाभ मिल सकता है। जितना अधिक से अधिक आप बचत करेंगे आपको फायदा मिलेगा, आगे आपको कई गुना अधिक लाभ मिलने की संभावना है जो आप अभी कुछ बचत करते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने जिम्मेदारी में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको शरीर में थकान बनी रहने वाली है, धनहानि भी हो सकती है या फिर आपके ऊपर कोई अनावश्यक खर्च आ जाए ऐसे लक्षण आज की दिनचर्या में बन रहे हैं, तो इस सब प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से आज बचने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और अगर आपके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अगर आपको कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को आप दिल से ना लगाएं। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को मित्रों के सहयोग से आप अपनी हर मुसीबत को बहुत आसानी से पार पा सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको हर तरफ से खूब सारी तारीफें मिलने वाली हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। असमय और अशुद्ध भोजन, घर के बाहर का भोजन करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से यह समय अच्छा कहा जा सकता है। आज किसी बात पर आपको काफी गुस्सा काफी क्रोध आ सकता है, तो ऐसे में अपने क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सोते व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए, यह आपके लिए शास्त्रीय आज्ञा है। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने विरोधी पक्ष पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक कलह का सामना आज कुछ करना पड़ सकता है। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बलाराम बुद्धि प्रदाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको वास्तु से संबंधित कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिनका आपको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए, सफलता के अवसर आकर के लौट जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने मेन एंट्रेंस के बाद दरवाजे से एंटर करते ही वहां पर कोई मिरर लगा करके रखते हैं,
ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक किसी योग्य वास्तुशास्त्री ने वास्तु दोष निवारण के लिए आपको ना बताया हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में सफलता के अवसर से आप चूक जाएंगे। जब आप भूमि खरीदते हैं, भूखंड खरीदते समय दो बड़े भूखंडों के बीच में छोटा भूखंड कभी नहीं लेना चाहिए, इससे आपका विकास अवरुद्ध होता है। और इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बिना अड्डा या उठान वाली जो सीढ़ियां होती हैं वो ऊर्जा के सहज प्रवाह में बाधक होती हैं। तो जब भी आप अपने घर में सीढ़ियां बनाते हैं तो आपको देखना होगा कि आप पहले एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाएं, फिर उसके बाद आप सीढ़ियां बनाएं, यही सीढ़ी बनाने का सही नियम होता है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो शयन कक्ष में अपना किसी भी प्रकार का कार्यालय आपको नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरीके का वहां पे वर्क का आपको टेबल नहीं रखना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार गलत है, इससे आपकी दिनचर्या और आपका व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। किसी भी दंपति के शयन कक्ष में अपने पूज्य देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति या फिर अपने घर का पूजा स्थान यानी मंदिर स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे देवी देवता का अनादर होता है। तुलसी के पौधे को घर के किसी भी दिशा में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यानी पॉजिटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए स्थापित किया जा सकता है, किंतु यदि आप इस पौधे की पूजा आराधना करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप घर के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में ब्रह्म स्थान यानी केंद्र में या फिर उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में ही लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पीपल अश्वत्थ का वृक्ष घर के पूर्वी दिशा में अशुभ कहा जाता है, किंतु पश्चिमी दिशा में यह बहुत ही शुभ होता है क्योंकि ये भारी वृक्ष होते हैं। तो कहते हैं कि भारी वृक्ष जो है दक्षिण और पश्चिम में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए यानी शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी के लिए भवन में तुलसी का वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। व्यवसाय के विस्तार की अगर कोई योजना हो तो पूर्वी दिशा में आप दर्पण लगाते हैं अगर अपने घर में, घर के अंदर, तो आपको फायदा मिलता है। लाल बर्तनों में जल के भंडारण से तत्वों की प्रतिकूलता होती है, ऐसा करने से बचना चाहिए। तो खासतौर पर अगर लाल कांच के बर्तन होते हैं तो उसमें रखा हुआ जल पीने से बचना चाहिए। घर में मृत रिश्तेदारों के चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगाना अपरिहार्य है, लगाना ही है, तो दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में आप लगाएं तो लाभ मिलेगा। घर में कांटेदार पौधे ना रखना चाहिए, इनसे न केवल चोट लग सकती है बल्कि ये हमारे जीवन और हमारे भाग्य में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। घर में खाद्य पदार्थों का संग्रहण उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में करना चाहिए, यानी एडिबल्स का आपको अगर अपने किचन का स्टोर बनाना है तो आपको अनाज का भंडारण जो है वायव्य दिशा में उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सबसे बेहतर होता है। अपनी दवाएं, औषधियां घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, इससे दवाओं का प्रभाव जो होता है किसी भी रोगी व्यक्ति पर बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी लाभ मिलता है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए यानी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए हिंसक दृश्यों वाले चित्रों को भी अपने घर में नहीं टांगना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भवन में स्नानागार का सर्वोत्तम स्थान जो है वह पूर्व दिशा होती है। किसी भवन की उत्तर दिशा में चौकोर डिजाइन का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और प्रेम की कमी करता है ये। दक्षिणमुखी भवन जो होता है ये धनागम एवं समृद्धि के लिए अच्छा होता है। अगर आप खासतौर पर दक्षिणमुखी प्लॉट का प्रयोग करते हैं किसी कमर्शियल यूज के लिए यानी अगर आप व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां बनाते हैं तो व्यापार बहुत अच्छा चल सकता है। तो ये था आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद।